हेलो गाइस, आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास दसवां का जो है एग्जाम 2025 में जो पूछे जाएगा क्वेश्चन छत्रमिति से, उसके बारे चर्चा करता हूँ। जैसे कि एक एक बार एक एक करके नंबर एक आता है ब्रीथ। ब्रीथ में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके जैसे कि देखिए तो ले लेते हैं ब्रीथ। तो ब्रीथ में जो है या आर इसको बुलाते त्रिज्या, ये जो पूरा है वो व्यास बुलाता है। जैसे कि उसमें क्वेश्चन जो पूछता है ब्रीथ की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो ब्रीथ का क्षेत्रफल ज्ञात, तो दिया। अरे ब्रीथ की परिधि दिया हो तो ब्रीथ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। जैसे कि देखना तो ब्रीथ का क्षेत्रफल आनी ब्रीथ का त्रिज्या हो गई, यानी माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर तो परिधि दिया है, उसको बोल रहा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जैसे कि देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हमको पाई का पता करना है। पाई के पाई तो आर बराबर हो जाता है 5/7, इसमें बचा आर, तो आर हमको पता करना है कि कितना है। तो आर निकालने के लिए तो जो दिया होता है वही को मानना है, यानी परिधि बराबर 2πr होता है। तो परिधि जो दिया है 22 बराबर 2 × π/7 यानी आर, तो 7 चला जाएगा 22 के साथ, यानी 22 × 7 और बचा 2 × 22 × r। तुमको r बराबर निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा 22 × 7/2 × 22। 22 कट गया तो r बराबर आ जाता है 7/2 यानी 7/2। तो अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22/7 हो गया, आर निकला हुआ है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कर दूंगा 22/7 × 7/2 × 7/2। 7/7 कट जाएगा, 22 × 11 में कट जाएगा, आ जाएगा 11/77 सेंटीमीटर। तो वृत्त का इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए इसमें परिधि दिया होगा दूसरा टॉपिक, तो पूछा जाएगा वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो जैसे कि देखिए तो परिधि है, तो वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले देखना है वृत्त का चतुर्थांश, का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई के मान 22/7 होता, आर तो नहीं दिया, तो परिधि के द्वारा हमको पहले आर को पता कर लेना है। जैसे कि देखिए वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो परिधि 22 है
तो 2 गुना 22 बटे 7 हो जाएगा आर। हमको आर निकालना, 7 इधर चला जाएगा, ये गुना में तो भाग में चला जाएगा, 22 गुना 7 एंड 2 गुना 22 गुना 8। तो आर का मान को निकालना है 22 बटे 22 गुना 7 बटे 22 गुना 2। 22 चला जाए बच जाएगा 7 बटे 2। तो आर बराबर निकल गया 7 बटे 2। तो अब करना है, इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो होता 1/4 πr². अब बैठा दो 1/4 πr² × 7 × 2 × 7 × 2 दो बार कर देता हूं, तो 7 7 चला जाएगा। अब बच जाए 11 × 4 = 8 वर्ग सेंटीमीटर, तो 11/8 आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन वृत्त में पूछा जाता है। अब चलते हैं बेलन पर बात करता हूं, बेलन आता है बेलन, तो बेलन बेलन का यहां जो ए बी बिंदु ए से बिंदु बी तक ले व्यास कहलाता है, बेलन ए से बी तक ले व्यास कहलाता है। ऐसे मान लेते हैं ओ डी सी डी ई मान लेता हूं, तो बिंदु ए से बी तक ले व्यास माना जाता है मां, और ई से ओ तक ले एच माना जाता है ऊंचाई। तो मान लीजिए अब देखिए, एक नंबर बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr × h, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन πr² × h होता है, बेलन का, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h होता है। तो अब क्या करना है, इसको बारी बारी से हमको निकालना है। जैसे कि देखिए एक आता है, तो बेलन का अपने क्षेत्रफल बात करता है। मान लीजिए बेलन बेलन ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो एक नंबर बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्या जो है, व्यास जो है, व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या बराबर होता है सूत्र व्यास बटे 2, यानी व्यास हो गया 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर होता है, तो त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr × h, तो 2 × π के मान हो गया 22/7, r जो हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, और h जो हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको कटा दूंगा, 7 7 चला जाएगा,
बाईस गुना चौवालीस गुना पैंतीस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए गुना कर लेते हूँ, पैंतीस गुना चौवालीस, चार पंचे बीस, बीस से शून्य चल दिया बारह, बारह दो चौदह, फिर उसी तरह से गुना कर लूंगा, पंद्रह सौ चालीस। तो अगला देखते हैं, अगला दो नंबर बेलन का आयतन ज्ञात करता हूं, बेलन का आयतन ज्ञात करता हूं। दो नंबर में आता बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आता है, बेलन का आयतन हो जाता है, सूत्र है पा आर स्क्वायर इनटू एच होता है। तो बेलन का जो पाई का मान होता है वास्तव के साथ होता है, यानी पाई का जो मान है वास्तव के साथ होता है, यानी पाई बटे वास्तव के साथ गुना आर, आर जो है सात रखूंगा, यानी सात सेंटीमीटर का स्क्वायर, और गुना एच जो है पैंतीस, एच है तो पैंतीस रखूंगा। तो देखिए तो बाईस बटे सात गुना आर गुना सात गुना सात गुना पैंतीस कटा दूंगा, सत पच्चे पैंतीस आ जाएगा, तो गुना कर दूंगा बाईस गुना सत्तर उनचास गुना बाईस पच्चे दो दस से गुना उनचास कर दूंगा, नौ पच्चे पैंतालीस के पैंतालीस हो जाएगा और नौ हो जाएगा, चार से गुना कर देंगे चार पंचे बीस हो जाएगा, तो चार हो जाएगा, चार पंचे तेईस हो जाएगा, जोड़ दूंगा पांच चार ग्यारह यानी इक्यावन सौ पैंतालीस सेंसर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आयतन है तो क्यूब होगा, क्षेत्र पर रहता तो इस स्वर में होता। चलिए तीसरा पर बात करता हूं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर बात करता। जैसे कि देखिए अब आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टू पा आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब क्या करना है, टू टू के मान को रख दूंगा, पाई का मान बासमती के साथ होता है, आर जो है सात रखेंगे, इंटू आर प्लस एच हो जाएगा, आर हुआ सात एच जो है पैंतीस होगा, पैंतीस इसको जो सात सात कट जाएगा बैठना चौवालीस है, इसको जो जोड़ दूंगा तो सात पांच बारह यानी बयालीस हो गया, बयालीस गुना चौवालीस कर दूंगा, आठ आठ चाचे के सोलह चाचे को सोलह आठ आठ सौ चौदह चौदह तो हो जाएगा अठारह, अठारह सौ अड़तालीस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह क्वेश्चन एक नंबर बेलन का क्षेत्रफल आयतन और जो है संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रफल इस तरह में जो पूछा जाएगा तो निकल जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं तो बेलन का आयतन दिया होगा और क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल दिया होगा तो आयतन निकालना, जैसे कि देखिए किस तरह क्वेश्चन। मान लीजिए एक बेलना, बेलना का बर्तन का आयतन, आयतन आयतन दिया हो अठासी सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, वक्रपीठ क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात करें,
तो आयतन दिया है और बेलन का पक्षपित क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आयतन को क्षेत्रफल के लिए चाहिए। और जो कि इसमें आर भी दिया है, तो आर सात सेंटीमीटर हमको ऊंचाई बोल रहा है, ठीक है। इसमें ऊंचाई आर भी दिया है जिसमें जिसमें सात सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या है। तो इसमें जो है इसमें आयतन जो है दिया है अठासी और त्रिज्या दे, तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करनी होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr×h। तो 2πr×h होता है, लेकिन यहाँ पर r है h नहीं, r है h नहीं है, पाई के मान पास के साथ होता है। तो हमको सबसे पहले एच निकालना है, जैसे कि किस तरीके लेगा जो दिया होता उसी को मान के हमको जो है ऊंचाई निकालना है। जैसे कि देखिए बेलन का आयतन होता है पा आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो आयतन जो 88 है पाई के मान 7 रहेगा, आर में 7 रहेगा, 7 गुना 7 हो जाएगा गुना एच, 7 कट जाएगा। अब देखो 88 × 22 × 7 × h हो जाएगा, इसको 880 मान लीजिए 880, तो h बराबर हो जाएगा 88 × 22 × 7, 22 से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 22 × 88 यानी 4/7 आ जाएगा, तो एच बराबर 4/7 आ गया। तो अब हमको निकालना है बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr×h। तो 2 × π/7 आर जो है 7 है और जो एच है 4/7, 7 चला जाएगा। अब हो जाएगा 2 × 22 = 88/7, यानी 88 से गुना हो जाएगा, तो यानी 16 × 4 = 17/7 इतना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल इतना पूर्णांक में आ सकता है, कोण में भी आ सकता है। तो अब यह भी हो सकता है बेलन का वक्रपृष्ठ दिया हो और क्षेत्रफल निकालने को बोलते, तो इस तरह का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा का पूछा जाता है। तो अब चलता हूं हम शंकु पर बात करते हैं।